ये अचीवमेंट जो है सामाजिक कार्य में मुझे नई दिल्ली में अशोका होटल में देकर नवाजा गया। दरअसल विविध फील्ड में जो काम करते हैं, समाज सेवक है, शास्त्रज्ञ है, एयर मार्शल जो है, डॉक्टर है, ऐसे विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं उनको वर्ल्ड वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा उनका कार्य देखते हुए उनको एक हॉनररी डॉक्टरेट ये किताब देकर नवाजा जाता है। इस वर्ष अभी इसी महीने में नई दिल्ली में हमको वहाँ बुलाया गया था। भारत के पूर्व क्रिकेटर सन 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसके खिलाड़ी मदन लाल जी, फिल्म स्टार गोविंदा जी, ये मेहमानी खुशी से वहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली के कई जाने माने नेता उस वक्त मौजूद थे, अलग अलग क्षेत्र के आला लोग जो थे उस वक्त मौजूद थे और ये पुरस्कार देकर हमें वहाँ नवाजा गया है। देखिए, पिछले 35 साल से तो मैं सामाजिक कार्य यहाँ मुंबई में कर ही रहा हूँ और साथ में कांग्रेस पार्टी का भी काम करता हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी, इनके नेतृत्व में मैं काम करते आ रहा हूँ, बेलौस काम कर रहा हूँ यहाँ। इसके पहले भी मैंने समाज सेवा ये सब्जेक्ट में पीएचडी हासिल की थी और ये दूसरी बार मुझे ये ऑनररी डॉक्टरेट मिला है, इसलिए बहुत खुशी होती है। मराठी में कहावत है, जैसे दुग्ध शर्करा, दूध में और शक्कर डाली जाए तो मिठास बढ़ जाती है, उसका स्वाद दुगना हो जाता है, उसी तरह ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसी नामचीन संस्था है जो उनके काम की कदर करती है और डॉक्टरेट देकर ऑनररी उनको नवाजती है। पिछले 3-4 साल तो नोटबंदी के बाद बचे कचे कोरोना ने लोगों को बहुत ही परेशान किया था, आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत ही परेशान थे, लेकिन ये साल जो है थोड़ा आनंदित है, वातावरण आनंदित है, दिवाली का माहौल है। सभी भारतवासियों को, हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पटाखे जो है कम बजाए, उसके एवज में कोई गरीब और जो आर्थिक सहायता का ज़रूरतमंद है ऐसे लोगों को भले भोजन हो या मिठाई हो इसके रूप में आप दान दीजिए। ये बहुत बड़ा दिवाली का गिफ्ट होगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी, घर में देखिए, महिला का तो हर पुरुष के पीछे उसकी महिला का या पत्नी का हाथ होता है, ये पुराने लोगों ने कहावत कही है, कोई दो राय नहीं, एकदम सही बात है। क्योंकि पुरुष जो है बाहर फील्ड पर ही काम करता है, जो भी है उसका क्षेत्र, लेकिन घर की जो महिला है पूरा घर का काम संभाल कर, अपने बच्चों का पालन पोषण करके, उनकी शिक्षा पे ध्यान देना, ये घर की महिला करती है। इसलिए ये पुरस्कार जो मिल रहा है तो इसमें हमारी अर्धांगिनी जो होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिना उनके ये मैं नहीं इस मकाम पे पहुँच सकता था, ऐसा आपके माध्यम से कहता हूँ। एक दूसरी बात आपको बता दूँ कि मराठी में मैंने एक महिला सक्षमीकरण आने भारत महिलांची स्थिति ये किताब लिखी थी। दिल्ली में मुझे बुलाया गया था, उसी वक्त दूसरे दिन मुझे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो विरोधी पक्ष नेता है भारत देश के, उनसे भी मुलाकात लेने का अवसर मिला। उन्होंने अपने घर पे ये मुलाकात हमें दी
बहुत अच्छे से भेंट हुई और ये पुस्तक मैंने उनको भी भेंट स्वरूप दिया। इसके अलावा दिल्ली में भारत के 3 जो मिनिस्टर थे उनसे सामाजिक न्याय मंत्री थे, पेट्रोकेमिकल्स एंड आरसीएफ के मिनिस्टर थे, महिला बाल कल्याण और कृषि मंत्रालय संभालने वाली जो हमारी बहन है उन्होंने भी हमारे पुस्तक को सराहा। खरगे जी ने तो ये भी कहा कि आप इसको, ये मराठी में लिखा है, आप हिंदी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद कीजिए, महिलाओं के बारे में जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। सामाजिक कार्य पिछले 35 साल से कर रहा हूँ, उस दरमियान कई महिलाओं से ताल्लुकात हुए, वो उनकी समस्याएं लेकर आती थी, उस वक्त देखा है कि महिलाओं का शोषण भी होता है, शुरुआत घर से भी होती है, गरीबी लोगों से भी होती है और महिलाओं को कम आका जाता था। लेकिन आज महिला आप देखते हैं प्रधानमंत्री भी हो चुकी है, भारत की राष्ट्रपति भी हो चुकी है, पहली महिला पायलट भी हो चुकी है, महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। क्योंकि आपने अभी पूछा था कि अर्धांगिनी का भी क्या रोल होता है, तो महिला जो है माता भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है। महिलाओं का पुरुष के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी, ये प्राकृतिक है, परमेश्वर ने बनाया है।